राजस्थान की सियासी उठापटक अभी भी जारी है और गहलोत सरकार की तरफ से जारी ऑडियो टेप को भी प्रमाणित नहीं किया जा सका है, लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुखता से आ रहा है, जिस पर अब शेखावत ने अपना पक्ष रखा है। शेखावत ने खुद पर लगे आरोपों पर पहले तो उस ऑडियो टेप को ही झूठा करार दिया है और उसके बाद गहलोत पर बदला लेने का आरोप लगाया है। कहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। आगे शेखावत कहते हैं कि ऑडियो टेप में जिस भी बात का जिक्र है वो दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक है। रिकॉर्डिंग में ना तो आवाज मेरी है ना ही एक्सेंट, मैंने तीनों ऑडियो को पूरा पूरा सुना है। आगे शेखावत ने कहा, ऑडियो में जिस व्यक्ति को गजेंद्र कहा जा रहा है उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग श्री गंगानगर इलाके जैसा है, मैं बिल्कुल जोधपुरी मारवाड़ी लहजे में बोलता हूँ। FIR में नाम शामिल होने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, रिकॉर्डिंग का स्रोत वेरीफाई करने लायक नहीं है, मेरे खिलाफ केस इसलिए क्योंकि फेयरमॉन्ट होटल में रुके विधायकों के मन में डर बनाया जा सके। फिर अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेटे की हार का बदला लेने का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को करीब 270,000 वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया था और जो ऑडियो टेप्स जारी किए गए हैं उनमें कथित तौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हटाने को लेकर बातचीत की गई है। बता दें, इन ऑडियो टेप्स में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा और दो लोगों की आवाज है। एक तो मीडिएटर संजय जैन बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दूसरी आवाज कांग्रेस के ही विधायक भंवरलाल शर्मा की होने की कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामले को लेकर 2 FIR भी दर्ज की गई है। देखते हैं इन ऑडियो टेप्स की सच्चाई कब तक सामने आ पाती है।